नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, दो बड़े देवता आपके घर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर जो सरप्राइज आपको मिलने वाला है, आप इसे जिंदगी भर याद रखोगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा दिन बार बार नहीं आएगा और ना ही ये मौका आपको मिलेगा, जो मौका अगले 24 घंटे के अंदर आपको मिलने वाला है। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, ये दो बड़े देवता आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर मंगल ग्रह आप सभी के कुंडली में, आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़ा धमाल मचाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कहने का तात्पर्य है ग्रहों के यह बदलती चाल आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़ा धूम मचाने वाले हैं, जिसके कारण दोस्तों दो बड़े देवताओं का आशीर्वाद एक साथ आप सभी को प्राप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार ये दो बड़े देवता आपके घर क्यों आ रहे हैं और ये दो बड़े देवता आखिरकार आपको क्या चीज देने वाला है आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर, इसकी जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम आपसे दोनों हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। सभी जानकारियां ग्रहों के चाल पर आधारित है। इन बदलती ग्रहों के चाल के आधार पर हम आपको बताएंगे यह दो बड़े देवता आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर कौन सी खुशखबरी देने वाले हैं, कौन सा सरप्राइज मिलने वाला है आपके व्यापार व्यवसाय कैरियर बिजनेस, आपके लव लाइफ, आपके स्वास्थ्य में, आपके पारिवारिक माहौल में, दैनिक दिनचर्या में व अन्य सभी प्रकार के क्षेत्रों में कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे, इसकी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे आज की वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जिस भी भगवान को आप सच्चे दिल से मानते हैं उनका नाम जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर ले। तो आइए दोस्तों बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको यह बात अच्छी तरह से समझ आने वाली है कि भगवान के घर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर दो बड़े देवताओं का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और यह दो बड़े देवता अगले 24 घंटे के अंदर आपके घर दस्तक देंगे और आपको एक साथ दो दो बड़े सरप्राइज मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हमने कहा है कि आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके दाम्पत्य जीवन में वो खुशियां आने वाली है जिन खुशियों के लिए आपकी आंखें तरस गई थी। जी हाँ, और ये खुशियां ये दो बड़े देवता के आशीर्वाद से आने वाला है। तो दोस्तों आपको इतना ध्यान रखना है कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर घर में शांति का माहौल रहे, घर में सब लोग खुश रहे, खुशियों का माहौल बना रहे। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों अंतरिक्ष में दो बड़े ग्रह गोचर बन रहे हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो आपके जीवन में थोड़ी उथल पुथल मचा सकती है। जी हाँ दोस्तों, यह आपको गलत चीजों की ओर आपका ध्यान भटका सकता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये थोड़े समय के लिए ही रहेगा लेकिन आपको थोड़ा परेशान करेगा। जी हाँ, आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहता है। जी हाँ, ना ही सुख हमेशा के लिए रहता है और ना ही दुख हमेशा के लिए रहता है। जिसको आप लोग दिलो जान से चाहते हैं, आपने दिलो जान से प्यार करती हैं, वो चीज जब हमेशा के लिए नहीं रह सकता है तो इन दुखों की क्या औकात है। बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और
गुरुजी के इन बातों से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने इन प्यारे हाथों से लिखिएगा, गुरुजी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भगवान से हम प्रे करते हैं कि भगवान इन हाथों को आप हमेशा सलामत रखें, कभी उनके ऊपर कोई संकट कोई मुसीबत आने नहीं देना। हमारी आपसे यही गुजारिश है प्रभु। दोस्तों इतना तक देख लिए हैं तो आगे देखते रहिएगा, इससे भी गहरी जानकारियां हम आपको देंगे, लाभ भी बताएंगे और सावधानियां भी बताएंगे। इन सावधानियों को बरतकर आप अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे और इन सभी सुखों का लाभ उठा पाएंगे। देखिए दोस्तों, आज का दिन अपने परिवार के मामले में विशेष रुचि लेने के लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आप कुछ समय के लिए अपने कैरियर की प्रतिबद्धताओं के कारण अपने रिश्तों की अनदेखी कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आपने अपने कैरियर में वो सब कुछ पा लिया है जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है। जी हाँ दोस्तों, पिछले समय अंतराल में आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत परिश्रम किया है, लेकिन उस परिश्रम के हिसाब से आपको भगवान धीरे धीरे सब कुछ दे रहे हैं। बस भगवान पर भरोसा रखिएगा, और भी बहुत कुछ देने वाले हैं भगवान, परंतु अब अपने रिश्तों की ओर अपना ध्यान देने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, इस समय अपने रिश्तों का पोषण करना आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण घटक साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, इस बात के काफी मजबूती संकेत मिल रहे हैं कि आपको अपनी नौकरी की वजह से विदेश जाना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, सितारे इस बात को लेकर हमें संकेत दे रहे हैं, इस राशि के जातकों को कहीं नौकरी लग सकता है या फिर किसी महत्वपूर्ण काम के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ सकता है। जिन विद्यार्थियों ने वीजा के लिए आवेदन किया हुआ था उनका काम आज पूर्ण होने के आसार बन रहे हैं। जी हाँ, आपका कार्य स्थान का परिवर्तन ऐसी जगह हो सकता है जिससे आप अनजान हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस अवसर का लाभ उठाना है ताकि ये मौका कहीं हाथ से निकल ना जाए, जिससे आपके कैरियर को नई गति मिलेगी। अगर आप पहले से ही विदेश में कार्यरत हैं तो अपनी मातृभूमि में वापस कार्य करना इतना लाभप्रद नहीं होगा। जी हाँ, जहां पर आप अभी काम कर रहे हैं वैसे ही काम करते रहें, सफलता आपकी जरूर मिलेगी, आपकी जो है कदम चूमेगी। आज ग्रहों की दशा आपको शांत तरीके से अपने बारे में सोचने का मौका देगी। जी हाँ दोस्तों, आपने पिछले समय में कई मौकों पर काफी कठोर ढंग से अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन अब आप मानसिक रूप से काफी शांति स्थिति में हैं। जी हाँ, सुलह करने और संबंध सुधारने के लिए बहुत अच्छा समय है। खुशी पाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि खुद को भी और दूसरों को भी एक मौका जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, प्रयास करते रहें, प्रयास करने वालों को कभी हार नहीं होती है, उनकी हमेशा जीत होती है या तो सीख होती है। आप हारते ही रहना, बार बार हारते ही रहना, फिर भी आप महानता के श्रेणी में आ जाओगे। जी हाँ, हारने वाला इंसान भी अगर एक बार मुस्कुरा देता है तो जीतने वाला अपना खुशी खो देता है। जी हाँ, आने वाले अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप अपनी परिजन की सेहत का विशेष ध्यान रखें। अगर आपके बच्चे हैं तब तो आपको और भी सावधान रहने की आवश्यकता है। जी हाँ, स्वास्थ्य संबंधित छोटी मोटी तकलीफें भी अचानक ही जो है महत्वपूर्ण दिखने लगेगी, इसलिए दोस्तों आपको अपने से रोकथाम के उपाय कर लेने चाहिए। यह ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप उस चीज को खाने के बाद आपका मूड और खराब हो जाए, इसलिए दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे आपको खाने में विशेष ध्यान देनी है। जी हाँ, देखिए दोस्तों, ग्रहों के प्रभाव के कारण आपके प्रेमी की जिंदगी में एकदम से तीव्रतम ऊर्जा का संचार होगा। आपका साथी काफी सक्रिय में रवैया अपना सकता है। जी हाँ दोस्तों, और आप इस बात से अनभिज्ञ रहेंगे किस तरह से आप इसे संभालें। अगर आप एकल हैं तो आप उस व्यक्ति के साथ जा सकते हैं जिससे आप अभी तक दूर रहते हैं। जी हाँ, और परहेज करते थे।
आज का दिन अपने रिश्तों के साथ प्रयोग करने के लिए भी उचित समय है। अगर आपने अभी तक इसकी योजना नहीं बनाई थी तो अब आप बना सकती हैं। समय बहुत अच्छा है, आज का दिन उनके लिए बहुत अच्छा समय है जो कि निर्माण के व्यवसाय से जुड़े हैं। आज के दिन आपको जांच परख कर जो है निवेश करना, क्योंकि ये अवसर लघु समय के लिए है। अगर आप इसके लिए घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको अच्छे से प्रस्ताव मिल सकते हैं। जी हाँ, अपने इस चीज के लिए जो वित्तीय रणनीतियां बनाई थी उनका फल अब आपको मिल सकता है आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर। जी हाँ, आने वाले अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा, सितारों का साथ मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप इस मौके का लाभ उठाएं कि आपके लिए बेहतर होंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो।